काम था वो उसके बाद जो तलवाड़ा का जो काम है इसके ताल्लुक से साबिक एमएलए शेखर रशीद साहब ने कहा कि भाई आप सिर्फ लेटर दे देते, आगे कुछ करते नहीं, आपको कुछ आता नहीं, इस तरह के सारे इल्जाम उन्होंने लगाए थे। जिनको आता था उनके जमाने में अगर ये काम हुआ होता तो हम कह सकते थे कि उनको काम करने का ढंग है, वो लेटर भी देते, फॉलो अप भी लेते और काम मंजूर भी करवा के लेके आ जाते। क्या है कि मैं इन जैसे विकास के मुद्दों पर सियासत नहीं करना चाहता, वरना जिस वक्त ये बाईपास बना था उस वक्त आप जिनका नाम ले रहे हैं उनके वही आमदार थे। जहां से ये रोड बना है, जहां तक बना है, हर बस्ती कस्बे और देहात के अंदर जो है सर्विस रोड, फ्लाई ओवर, अंडरग्राउंड रास्ते बने। मालेगांव कौन सा ऐसा अछूता शहर था कि मालेगांव में बाईपास बना तो सर्विस रोड भी नहीं बना, और इसी तरह जो है उस पर फ्लाई ओवर का हो, अंडरग्राउंड रास्ते का हो, जहां जहां क्रॉसिंग है वहां बनना चाहिए था। उस वक्त तो गूंज थी कि भाई बिस्सी उठी है, लेकिन उस वक्त हम सियासत में थे नहीं। जो कुछ भी था मालेगांव के लोगों को पता है कि अगर उनको जो है ये उनका कहना है कि उनको ही काम करने का ढंग है, काश उनके जमाने में ये काम हो गया तो उनकी बात सच हो जाती। और बात यह है कि सियासत में इख्तलाफात कभी ख़त्म नहीं होते। हम यहाँ जो भी अच्छे से अच्छा काम कर लेंगे, जो मुखालिफ सियासी पार्टियां हैं वो उसमें कीड़ा निकालेंगी, और यही उनकी ज़िंदगी है। अगर वो लोग जो है हमारे कामों का एतराफ़ कर लेंगे तो उनका बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। इसलिए जो है कितना ही अच्छा और कितना ही बड़ा काम हो जाए, कीड़ा निकालना उनकी जिम्मेदारी समझ लीजिए, सियासी जिम्मेदारी है। अपनी सियासी बका, पार्टी की बका के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। हालांकि हो सकता है दिल में वो भी महसूस कर रहे हों कि बड़ा काम हुआ है और अच्छा काम हुआ है, काश वो इसका एतराफ़ करते तो ताल्लुकात और भी अच्छे होते, मुस्तहकम होते। नदी के उस पर उस तरफ मगरिबी सिमत में सियासी इख्तलाफात के बावजूद काम पर इत्तेहाद हो जाता है। हमारी बदनसीबी है कि नदी के इस तरफ मशरिकी इलाके में विकास के कामों को भी लेकर के हम लोग मुत्तहिद नहीं होते, बल्कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए इस तरह किस तरह काम रोका जा सकता है, खराब किया जा सकता है, इस तरह की कोशिशें होती हैं। यही वजह है कि हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। और जोर भाई, मुखालिफ पार्टियों का ठीक है, आपके कुछ दोस्त पार्टियों ने भी आप पे तंकीद की है। जोर भाई, नाम नहीं लेते। देखो पूरे शहर के लोग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उर्दू मीडिया, मराठी मीडिया सब ने देखा है कि 2 साल में पेपर वर्क को किने किया है, कलेक्टर का सर्वे किसने कराया है, हाउस में बात किसने रखी है, पूरे शहर के लोग ये देखे है। तुम लोग 3-3 चर चर बाहर गए हो आमदार साहब के साथ में वो सर्वे के लिए, तो पूरा शहर देखा है 2 साल से कोशिश किसने किया। अगर डॉक्टर साहब बोलते हमारे जो एमपी साहब है वो एक टाइम भी आए के सर्वे के लिए, उनका एक भी फोटो है कि आप मीडिया वालों के पास में। अब कैसा है वो सरकार में है आज तो अपने जो है मिनिस्टर जो है अपने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वो तो उनकी पार्टी के पद अधिकारी की तो तारीफ ही करेंगे ना, वो थोड़ी आमदार साहब के बारे में बोलेंगे। पूरा शहर खुली आंखों से देखा है कितना सर्वे मुक्ति साहब ने किया है, और ये सर्वे जो था पुलिस रिपोर्ट गई है, कलेक्टर की रिपोर्ट गई है, प्रधान साहब है, तहसीलदार, इतनी सारी रिपोर्टें गई तो उनके ऊपर प्रेशर बना। जब ये बजट रिलीज हुआ है इतनी आसानी से नहीं।